अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, हाजिर हैं आपके साथ। उम्मीद है आप बाखैरियत होंगे। बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी और आपने ईद के दौरान पेपर की टेंशन तो नहीं ली कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं स्टूडेंट्स तैयारी को लेकर। सो मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि पेपर्स की टेंशन आपने नहीं लेनी, ईद आपने इंजॉय करनी है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरी बात को फॉलो किया और काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारा पेपर ख़राब हो सकता है। इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जनरली जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे यहाँ, वहाँ पेपर में एक छुट्टी होती है या मैक्सिमम दो होती है। सो इस बार जो ईद की वजह से पेपर में छः छुट्टियाँ आ गई, पहले एक या दो होती थी तो तब भी बच्चों की तैयारी मुकम्मल हो जाती थी, और अब अगर छः आई हैं तो इसका मतलब है अब भी एक या दो दिन में तैयारी मुकम्मल हो सकती है। तो ज़रूरत क्या हमें छः के छः दिन टेंशन लेने की। सो एनी हो, ईद गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें पूरे 30 रोज़ रखने की तौफीक भी दी, ईद की नेमत से भी नवाजा। सो अब हम चलते हैं अपने पेपर की तैयारी की तरफ। हमारे पास दो दिन बाकी हैं, सोमवार और मंगल। आई थिंक क्या उसे कहते हैं अपना 24 और 25, 23 है, 26 का हमारा पेपर है। सो पेपर के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो 9th साइंस का मैथ है इज़ वेरी इजी टू पास। 17 हमें यूनिट्स दिए गए हैं टोटल। हमने उन 17 यूनिट्स में से किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हम सिलेबस को रिड्यूस करते हुए भी तैयारी करें तो हमारे 75 मार्क्स पूरे आ जाए। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, इट्स वेरी सिंपल, बट वी हैव टू फॉलो द पेपर स्कीम। साल हर साल से पेपर स्कीम हमें दी जाती है, मॉडल पेपर्स आपने देखे हैं। सो जो पेपर है वो पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग ही आता है, लेकिन दिल में डर होता है कि कहीं पेपर स्कीम से हट के ना आ जाए। लेकिन मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैथ में जो है हमें पेपर जो है पेपर स्कीम के मुताबिक ही आता है, चूँकि 17 चैप्टर्स हैं तो कितनी पेपर स्कीम में फ़र्क। सो पेपर स्कीम के मुताबिक आज मैंने आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा एक स्केच बनाया है विच आई एम गोइंग टू एलेबोरेट विद यू। सो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे शौक से, पूरी त्वचा से सुनिएगा और देखिएगा भी, और हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। डेफिनेटली आप करते होंगे और डेफिनेटली आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पे एक जिंदल बात आ गई है कि एक तो मेरे नाम का फेक अकाउंट बना हुआ है। सो मेरे अकाउंट का नाम है मिर्ज़ा साहब 90 MIRZASB90। सॉरी, तो आपने सब्सक्राइब करते वक्त ये चीज़ हिंद में रखनी है। उसके अलावा मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके ऊपर थंबनेल में लगे होते हैं। सो आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोग हमारी जो रहनुमाई है उससे मुस्तफीद हो सकें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक यानी 9th साइंस के मैथ को हम रिड्यूस सिलेबस के साथ किस तरह तैयार करें कि हमारे 75 मार्क्स पूरे आ सकें। देखिएगा जी, ये आपका मैंने आपके सामने एक मैथ साइंस की स्कीम स्केच बताया। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ से रिलेटेड है। तो आपके पेपर में 15 MCQs आएंगे और आपके 17 चैप्टर्स हैं। सो याद रखिएगा यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 13 से कोई भी MCQs नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 14, 15, 16 और 17 हर यूनिट से एक MCQ आपको करने के लिए दिया जाएगा जो आपने करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो जो हमारा पहला शॉर्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इनके शॉर्ट क्वेश्चन से, तो 1, 2, 2, 2 और 1, 1, 2, 3 और 4 से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर हम इसी स्कीम को मद्देनजर रखें तो अगर हम ये 4
छोड़ दें शॉर्ट के लिए। तो इन तीन चैप्टर से हमारे 6 शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हम 4 चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमें लाभ आएगा। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने यूनिट नंबर 5 को छोड़ना है। तो हमने फर्स्ट 4 यूनिट को रेडी कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारा पहला शॉर्ट का पोर्शन पूरा हो जाएगा। 2 क्वेश्चन 1 से, 2 2 से, 2 3 से, 2 4 से हमने 6 करने हैं, जबकि हम यहाँ से टोटल इंशाल्लाह 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगर हम आए अपने दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पे, तो उसमें यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी तरतीब क्या है, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। हमने इसमें 6, 7, 8 और 9 से 2 2 क्वेश्चन, जबकि यूनिट नंबर 10 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर हम बात करें, अक्सर स्टूडेंट को यूनिट नंबर 6 टफ लगता है, तो हम यूनिट नंबर 6 छोड़ सकते हैं। अब यूनिट नंबर 10 से एमसीक्यूज भी नहीं आना, यूनिट नंबर 10 से लॉ भी नहीं आना, सो हम यूनिट नंबर 10 को भी ड्रॉप कर देते हैं। बाकी बात की हमारे पास 7, 8 और 9, अगर हम ये 3 यूनिट कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो जाएंगे। बट फिर एक चीज का ख्याल रखना बेटा, कि यूनिट 7, 8, 9 आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि अगर आप बैकअप के साथ नहीं जा रहे तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपकी मिस्टेक हो जाए। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का यूनिट नंबर 6 रेडी है, अच्छे तरीके से आता है, वो उसको ड्रॉप ना करें। हाँ, जिनको 6 में प्रॉब्लम्स हैं, 6 ओके नहीं है, 6 में बड़े से ज्यादा इश्यूज है, वो ड्रॉप कर दो। लेकिन फिर यूनिट नंबर 7, 8 और 9, इन 3 यूनिट्स पे पूरे का पूरा फोकस आपने करना है। तो इंशाल्लाह सेकंड आपका जो पोर्शन है उसमें भी आपको पूरे 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करें अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तीसरे पोर्शन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये बड़ा लेंथी सा पोर्शन बनाया है उन्होंने। यूनिट नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7 यूनिट को मिला के 1 शॉर्ट का पोर्शन बना दिया। अब इसमें उन्होंने क्या करना है, हमने इसमें ये देखना है कि उसने हमें 15 में से 2 और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, बाकी सब में से 1-1 ठीक है, 9 क्वेश्चन बचते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम देखेंगे 13 से एमसीक्यूज तो नहीं आना, 13 से लॉ भी नहीं आना, हमने सबसे पहले 13 को फारग कर देना है, फारग है 13। अब 15 और 17 से 2 2 शॉर्ट आएंगे, ये हम ड्रॉप नहीं कर सकते, ये हमें करने पड़ेंगे। उसके साथ हम यूनिट नंबर 12 रेडी करेंगे, क्योंकि उसमें से 3 रेम आना है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 16 भी साथ ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें से भी 3 रेम आना है। कुछ बच्चों ने यूनिट नंबर 12 को तैयार किया, कुछ ने 16 को तैयार किया। हम इसमें ये करेंगे, हम यूनिट नंबर 11 भी स्किप कर देंगे और यूनिट नंबर 14 भी स्किप कर देंगे। फिर बचे हमारे पास यूनिट नंबर 12, 15, 16 और 17, 2, 4, 5 और 6, यहाँ भी हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। याद बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन है वो 70-80% डिपेंड्स करता है डेफिनेशंस पर। 15 से 20 डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है कब भी है कि उन्हीं में से इंशाल्लाह आपको डेफिनेशंस पूछी जाएंगी ये। और इसके अलावा इन यूनिट्स के जो हमने यूनिट करने हैं, यूनिट नंबर 12, 15, 16 और 17, इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज है उनमें 5-5, 6-6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आपने तैयार करना है। 17 में से एक तो ट्रायंगल आएगी, ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द गिवन डाटा, आपको 3-2 लेंथ दी जाएंगी, एक जो एंगल दिया जाएगा या 2 एंगल दिए जाएंगे, एक लेंथ दी जाएगी, वट एवर द जो है वो क्वेश्चन जो भी होगा बुक से ही आएगा ठीक है जी। उसके अलावा जो 8 क्वेश्चन है वो डेफिनेशन के होंगे, 8 में से 4 से 5 डेफिनेशन जरूर है आपको पेपर में पूछी जाएंगे। सो यहाँ भी हमारे 6-7 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर हम अपने टोटल लगाएं तो यहाँ से हमें 12 नंबर का पेपर आराम से मिल गया, यहाँ भी 12 नंबर का पेपर आराम से मिल गया, और यहाँ भी हमें 12 नंबर का पेपर आराम से मिल गया। लिहाजा शॉर्ट में से हमें 36 नंबर
नंबर आराम से अवेलेबल हो सकते हैं इंशाल्लाह। आप भी बोले इंशाल्लाह। अब अगर हम बात करें अपने नाउन की, तो हमने ये करना है कि हमारा जो यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 का नाउन था, मैं यहां लाइन ड्रा कर दूं ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। ये हमारा नाउन शुरू हो गया। अब पहला नाउन क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 और 2 से आएगा, दूसरा आएगा हमारा यूनिट नंबर 3 और 4 से, तीसरा आएगा 5 और 6 से जो हमने नहीं तैयार करना, चौथा आएगा 7 और 17 से, और पांचवा आएगा यूनिट नंबर 12 या 16 से थ्योरम। अब अगर तो हम लिस्ट से आ जाए तो हम क्या करेंगे कि हम यूनिट 1 2, यूनिट 3 4 कंप्लीट कर लें और उसके साथ यूनिट 12 या यूनिट 16 का थ्योरम कर लें, तो हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। लेकिन वी विल दैट हैव बैकअप, हम बैकअप भी साथ रखते हैं कि अगर हमने जो चीज़ें तैयार की हैं उसमें से कुछ चीज़ गलत हो गई है, हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो हम उनको सॉल्व कर सकें। सो एहतियातन आप यू करिए 7 और 17 कर लें, दीज आर वेरी सिंपल यूनिट्स। 7 में से 7.1 या 2 से लॉन्ग आएगा, मसावात को जो है वो सॉल्व करें, और 17 में से जो है ना वो ड्रा ट्राइंगल और उसका मेडियन आएगा या एल्टीट्यूड आएगा या बाइसेक्टर आएगा, ये चीज़ें आएंगी। सो अब बेसिक जो चीज़ है वो आपने ये करना है कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 आपने कंप्लीट कर लेने हैं, 12 या 16 के थ्योरम कर लेने हैं, तो हमारे शॉर्ट के जो हैं हमें वेरी इजीली 24 मार्क्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें शॉर्ट और लॉन्ग को मुकम्मल कर लिया हमने, हमारा यहाँ पे 60 नंबर एडिंग हो गया। अब एमसीक्यूज है, हर यूनिट से एक एमसीक्यूज आएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं गेस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आज रात को ही या कल आप लोगों के साथ वीडियोस की शक्ल में और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद जो बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि यूनिट को तैयार करने के बावजूद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें, मैं यहां ड्रा करता हूं, याद रखिएगा 1.6, 2.4 एंड 2.6, 3.4, 4.2 एंड 4.4, इसी तरह 5.2, 6.1 एंड 6.2, 7.1, 17.2, दीज आर सम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस जिनमें से आपको लॉन्ग पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से कन्फर्म है, वैसे 1 और 3 का तो कन्फर्म है, क्योंकि 1 में 98% चांसेस है कि 1.6 में से आएगा, क्रैमर रूल होता है वो आएगा, और 3.4 में से लगातार वाले क्वेश्चन है, और लगातार वाले भी ना 3 से 4 नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं, बाकी में चेंजिंग हो सकती है। 17 में भी 17.2 से ही लॉन्ग आ रहा है, इसके अलावा तो उसमें कोई ऐसा मौजूद नहीं है क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड वाले पूछे। तो दीज आर सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइजेस आपने तैयार करनी है, इंशाल्लाह आपको जो लॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स, उम्मीद है पहले मैं आपसे पूछ लूं कि जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं कि आपको समझ आ गई है। अगर हम अब क्या एक और बात मैं आपसे शेयर करूं, अगर हम आपका यूनिट 1 यूनिट नंबर 5 6 ड्रॉप कर दें, इसी तरह यूनिट नंबर 10 और 13, ये 4 यूनिट हम ड्रॉप कर दें, तो भी हमारे पेपर पे कोई बराबर असर नहीं होगा। लेकिन 5 और 6 में चूंकि एमसीक्यूज आएंगे, इनके एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज हमें तैयार करने पड़ेंगे, बाकी आप इन 4 यूनिटों को बिल्कुल ड्रॉप कर दें तो भी आपका पेपर मुतासर नहीं होगा। सॉरी गला खराब है। अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका मैथ कमजोर है,
जिन स्टूडेंट्स को मैथ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ पास करना चाहते हैं मैथ, सो इट इज वेरी सिंपल, सो सिंपल यार, कहना कि इट इज वेरी शॉर्टेस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है, आपने यूनिट नंबर 1 एंड 2, यूनिट 1 2 आपने बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेना है, यूनिट नंबर 1 एंड 2 आपने बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। ये दो यूनिट अगर आप तैयार कर लेंगे बेटा जी, तो ये दो यूनिट्स आपको क्या करेंगे, ये दो यूनिट्स आपको देंगे 16 नंबर का पेपर, 16 नंबर आपके इन दो यूनिट में से आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इन दो चैप्टर्स के और बकिया जो आपके 13 चैप्टर्स हैं, 10 और 13 को माइनस करते हुए, यानी कि बाकी 15 यूनिट्स की एमसीक्यूज रहने का, तो 15 MCQs इंशाल्लाह अगर आपके सही हो जाते हैं बेटा तो ये बन जाता है 31 मार्क्स, 31 मार्क्स आप ले लोगे। दो कंप्लीट यूनिट करो, 7 बाकी तमाम यूनिट्स के एमसीक्यूज करो, आपको 31 मार्क्स मिलेंगे इफ यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक इन द एग्जाम। ऐसा ना हो कि पेपर में सवाल गलत करके आ जाओ, गलतियां करके आ जाओ, बाद में बोलो सर जी आपने कहा था कि 31 नंबर आएंगे लेकिन हमारे नहीं आए। सो मेन पॉइंट इज दैट कि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और इसके साथ एक और ऑप्शन है, अगर आप 8 नंबर का थ्योरी भी याद कर लेते हो यूनिट नंबर 12 का, जो कि वेरी सिंपल है यार, पूरा साल आपने पढ़ा है, 8 नंबर वो भी ऐड करें तो आपके 39 मार्क्स बन सकते हैं। और डेफिनेशन को रटा तो लगा ही सकते हो आप, रटा लगाने पाकिस्तानी कौन तेज है। मॉडल पेपर ले उसका जो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, वो भी आपको 5 से 7-8 नंबर दे देंगे। यानी आप दो चैप्टर रेडी करने से 45 से 50 नंबर तक मार्क्स आराम से ले सकते हो, लेकिन बात फोकस करने की है, बात अट्रैक्शन के साथ स्टडी करने की है, स्मार्ट प्रेपरेशन की है, एंड बुक्स बोल के बैठ जाना, करते रहना रियाजी, पढ़ते रहना रियाजी, पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है, कहाँ से हमने तैयार क्या करना है, तो इस तरीके से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा बेटा, आपकी प्रेपरेशन नहीं होती। सो दिस इज ऑल द स्कीम पैटर्न विच आई हैव डिस्कस्ड टू यू। सो होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी और अब आप इस पे अमल करेंगे और आपने अपना सोमवार से बिल्कुल अपनी मैथ की तैयारी पर वर्क शुरू कर देना है और पढ़ना शुरू कर देना है। आपने किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, अब कल से आपने सिर्फ पढ़ना है वर्क वर्क एंड मोर वर्क। इंशाल्लाह ताला देखिएगा मैथ का पेपर बाकी तमाम पेपर से बेहतरीन अंदाज में करके आएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और आखिर में गुजारिश करना चाहूँगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उससे बढ़कर अपनी खसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।